नमस्कार। चैप्टर 8 चल रहा है हमारा, कार्बन एवं उसके यौगिक। और इसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और कार्बन के कुछ यौगिक, ठीक है ना। कार्बन के पढ़े एक एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध वाले, और जो यौगिक को हमने बांटा था अलग अलग टाइप से कि चक्रीय अचक्रीय इस तरह से अशाखित शाखित। देखो आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है हाइड्रोकार्बन। इससे पहले पढ़े थे हमने कार्बन के जो यौगिक थे शाखित अशाखित वाले, सबसे पहले हमने पढ़े थे अशाखित, ठीक है, फिर शाखित, फिर हमने पढ़े अतिशाखित और फिर हमने पढ़े चक्रीय, ठीक है। तो ये आपको सभी यौगिकों की पहचान आपको आना आवश्यक है, अशाखित शाखित अतिशाखित और चक्रीय। अशाखित में हमने उदाहरण देखा था नॉर्मल पेंटेन का हम देख सकते हैं, ठीक है। शाखित में आइसो ब्यूटिल का, ठीक है। अतिशाखित में नियो आइसो ऑक्टेन, ये नियोपेंटिल भी चल जाएगा आइसो ऑक्टेन, और चक्रीय में बेंजीन। ये रिवीजन है इसलिए इस तरह से मैंने लिखा है यहां पर, ठीक है। आपको रिवाइज करना है पिछली क्लास का पढ़ा हुआ। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन। अब यहां से इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है ये चैप्टर का पार्ट, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं कि ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिक, थोड़ा सा इधर ले लेता हूं मैं इसको, सबसे पहले डेफिनेशन आपको पता रखनी है कि ऐसे यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं, कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, देखिए नाम में पता लग रहा है हाइड्रोकार्बन, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, और इनकी बहुत लार्ज श्रृंखला पाई जाती है प्रकृति में। हाइड्रोकार्बन्स अधिकायत में पाए जाते हैं, ठीक है। लिखें आप परिभाषा तो लिखें जल्दी से, उदाहरण CH4 मैथेन, इसको मैं मीथेन लिखने के बजाय मैथेन लिखता हूं क्योंकि हमारी बोलचाल में साधारणतः ये मैथेन ही होता है, लेकिन इसको अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं METHANE, इसलिए कई बार ये बोलने में मीथेन आ जाता है, ठीक है। और देखो CH2H4 एक बार में लिख देता हूं मैं इसको, क्योंकि ये संरचना भी आगे आएंगी तो आपको पता चलना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है। ये है एथीन, इस तरह से ETHENE, यहां ANE, अब ध्यान देते जाना क्योंकि ये ANE और ENE ये बहुत काम आने वाले हैं हमारे, ठीक है। तीसरा है C2H2 एथाइन, ETHYNE, यहां है YNE, ये तीनों हमारे बहुत काम आने वाले हैं, ANE, ENE और YNE, इसलिए तीनों का आपको यहीं से ज्ञान प्रारंभ कर देना है, ग्रहण करना है इनको, ठीक है। एग्जाम्पल्स,
अब देखो अणु निर्माण, यहां से ये अणु ही तो है, ये क्या है, परमाणुओं के संयोजन से बने हुए हैं। तो एक और एक से दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर के जो यौगिक बन रहा है जिसको हम बोल रहे हैं मॉलिक्यूल या अणु, दो या दो से अधिक परमाणुओं से बनी हुई जो स्पीसीज है, जो पदार्थ है, उसको क्या बोल रहे हैं हम, अणु बोल रहे हैं। तो अणु का निर्माण क्यों होता है, अगर इसकी बात करी जाए तो प्रकृति में परमाणु का स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं होता है। अगर मैं बात करूं कि ओ, यहां पर बात करूं ओ, तो ओ प्रकृति में अकेला नहीं मिलेगा, वो इस तरह से प्रकृति में अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि ये परमाणु है, और किसका परमाणु है, ऑक्सीजन का परमाणु, ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से स्थायी नहीं होता है। तो ये क्या कर लेगा, ये अणु बना लेगा ओ टू। अब इसमें बहुत सारे सिद्धांत काम करते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें काम करती हैं, जिसमें से एक हम पढ़ के आए नाइन्थ क्लास में, अष्टक का नियम। वो भी यही कहता है कि कोई भी परमाणु स्थायी होने के लिए अपने बाह्यतम कोष में, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, और जब तक उसके 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो स्थायी नहीं होगा। तो ये काम उससे भी संबंधित है। देखो कैसे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में, ये मैं अष्टक नियम को यहां रिवाइज कर रहा हूं, बाह्यतम कोष में ऑक्सीजन के में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और 6 ही इस दूसरे वाले के, इनको मैं थोड़ा अलग दिखा दूं जिससे कि आपको पहचान हो जाए कि कौन से तो इस पहले वाले के हैं और कौन से दूसरे वाले परमाणु के हैं। देखो ये बात चल रही है अणु निर्माण की, ये ऊपर यौगिक बन रहे हैं, ये क्यों बन रहे हैं, अलग अलग प्रकार के बंध बनते हैं, ठीक है। देखो ये दूसरा परमाणु है ऑक्सीजन का, ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों के 6-6 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेंगे, ये दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन इसके इसको साझेदारी में दे देगा, ये अपने दो इलेक्ट्रॉन इसको साझेदारी में दे देगा, कुल 4 इलेक्ट्रॉन इनकी साझेदारी में रहेंगे, जिससे यहां पर दो बंध का निर्माण हो जाएगा और ये इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगी। अब आप काउंट कर सकते हैं, दोनों के बाह्यतम कोष में 8-8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं और दोनों खुश, अगर दोनों खुश हैं तो अणु का निर्माण हो जाएगा। यहां ये इस तरह से अणु का निर्माण, तो इसमें अष्टक नियम काम कर रहा है। यहां पर देखो दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 और 4, 8, 4 और 4, 8। तो ये हमने वहां पढ़ा था जब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पड़ी थी, तो वहां पर भी हमने यही काम किया था, हमने उसके परमाणु के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश की थी, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे किए थे, और वहां हाइड्रोजन अधिकायत में था, तो हाइड्रोजन के नियरेस्ट अक्रिय गैस होती है हीलियम, और हीलियम का इसलिए हाइड्रोजन अपना द्विक कंप्लीट करता है, क्योंकि हीलियम के बाह्यतम को, हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन ही दो होते हैं, बाह्यतम या कुछ भी कहें उसको, इलेक्ट्रॉन उसके पास दो ही है, तो वो इस तरह से अपना द्विक पूरा करता है, आप इसको अष्टक नियम का अपवाद कह सकते हैं। जैसे देखो CH4 कार्बन, दोबारा से मैं इनको बना रहा हूं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाओं को आप ध्यान से समझना, हाइड्रोजन 2, 3 और 4। अब देखो कैसे अष्टक पूरा होगा, ये लो ढंग से बना दिया है, देखिए 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 देखिए, ये हो गया अष्टक पूरा। कार्बन का देखिए, पहले कार्बन का देख लेते हैं हम, कार्बन के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं और हाइड्रोजन अपने बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा, ये हाइड्रोजन अपने बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर रहा है। तो ये अष्टक का नियम, इसीलिए अणु का निर्माण हो रहा है स्थायित्व के लिए, परमाणु खुद स्वतंत्र अवस्था में स्थायी नहीं रहता है, इसलिए वो अपना स्थायित्व ग्रहण करने के लिए अणु का निर्माण कर लेता है। तो इस तरह से परमाणु इस तरह से किसका निर्माण करेगा, अणु का। बहुत सारे हमने देखे उदाहरण, CO2, ये सामान्यतः है ना, CO2, H2O, CH4, SO2, ये सब इसके अंदर आ रहे हैं, है ना, ऑक्सीजन O2।
लेकिन प्रकृति में कुछ तत्व ऐसे हैं जो आण्विक रूप में भी मिल जाते हैं, उन्हें बहुत ही क्या कहते हैं, निष्क्रिय तत्व उन्हें कहा जाता है। ठीक है, SO2, NH3, ये सारे सारे छोटे छोटे अणुओं को मैंने यहां पर लिखा है। तो ये अणु निर्माण का कारण क्या है? स्थायित्व। प्रकृति की हर एक वस्तु स्थायित्व की ओर जाना चाहती है। ठीक है, हमारा ब्रह्मांड भी स्थायित्व की ओर अग्रसर होना चाहता है। अब आती है बात हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? बनेंगे तो हाइड्रोजन और कार्बन को लेकर के भी, लेकिन हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण जिससे कि इनको पढ़ने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो देखो सामान्यतः हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन को हमने दो भागों में बांट रखा है। बना लें इसको, कर लें, लिख लें एग्जाम्पल्स को। सामान्यतः हाइड्रोकार्बन को हमने दो भागों में बांटा है, हाइड्रोकार्बन दो भागों में बांटा, चक्रीय, सबसे पहले अचक्रीय लिखता हूं इधर में, अचक्रीय हाइड्रो कार्बन। इन्हें बोलते हैं विव्रंत श्रृंखला, ओपन चेन। ठीक है, इधर है चक्रीय हाइड्रोकार्बन, दो भाग हो गए, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन और चक्रीय हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सब्रंत श्रृंखला, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। इनको फिर दो दो भागों में बांट दिया गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त का मतलब होता है कि उस कार्बन हो, उसमें जितने भी कार्बन हैं उनकी सबकी संयोजकता है कंप्लीटली पूरी है, मतलब सभी एकल 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 बंध है कार्बन कार्बन के बीच में। यहां सभी कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है, यहां सभी कार्बनों के बीच में एकल बंध के अलावा किन्हीं भी दो कार्बनों के बीच में या दो से अधिक कार्बनों, मतलब कम से कम एक या कम से कम एक द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित है। ठीक है, शॉर्ट में कहा जाए तो कम से कम एक द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित है, यहां सभी के सभी एकल बंध है कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, इन्हें दो भागों में बांटा, इन्हें पैराफीन कहा जाता है, इन्हें पैराफीन कहते हैं क्योंकि ये कम क्रियाशील होते हैं, है ना, और इसके उदाहरण हैं एल्केन, मतलब इन्हें एल्केन भी कहा जा सकता है, इसमें एल्केन आते हैं। ये पैराफीन कहते हैं क्योंकि कम क्रियाशील ये कैसे होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं इसलिए इन्हें पैराफीन कहते हैं, ये सीधी श्रृंखला वाले हैं। इसके बाद सेकंड आते हैं साखित श्रृंखला वाले,
इनमें शाखन होता है, इसलिए बोलते हैं इनको शाखित श्रृंखला वाले। आएंगे हम लिखेंगे जैसे 2-methyl butane, नॉर्मल ब्यूटेन 2-3-4, इस तरह से 2-3-dimethyl, इस तरह से आएगा पेंटेन, तो वो आएंगे आगे, है ना, वो इसमें आएंगे शाखित श्रृंखला में। और आएंगे सब में, सब के सब में एल्केन, इधर भी एल्केन ही कहा जाएगा और इधर भी उनको एल्केन कहा जाएगा, ठीक है। असंतृप्त में दो तरह के आएंगे, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। एल्केन यहां लिख देता हूं मैं, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध, इसको आप ध्यान से समझ लेना, ये हमारे काम की है, ये जो दरवाली है ना, ये हमारे सिलेबस में पूरी है। और इसके कुछ उदाहरण भी हैं, इसके भी उदाहरण हमारे दिए हुए हैं। इसके बाद सेकंड आता है कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध, जो कि असंतृप्त होता है, पहला टाइप। इसमें आते हैं, इनको कहा जाता है एल्कीन, और यहां आता है कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध, और इन्हें कहा जाता है एल्काइन। अब आप ध्यान से देख लें, तीनों हमारे जो काम किए हैं वो तीनों यहां इकट्ठे हो चुके हैं, तीनों इकट्ठे हो गए, अब तीनों से एक साथ ही मिल लो यहीं पे ही, एल्केन एल्कीन और एल्काइन। बहुत आसानी रहेगी हमें तीनों से एक साथ मिलके आगे फिर इनसे बात करनी है, आगे भी इनसे मिलना है हमें, मतलब तीनों से मिल लो, फिर एक एक मिलेंगे, फिर उनसे हम बातचीत करेंगे। तो पहले तो आप तीनों से एक साथ मिलिए, एल्केन एल्कीन एल्काइन। ध्यान रखिए, एल्केन में कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध मिलेगा, लिखा हुआ है, एल्कीन में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध कम से कम एक होना चाहिए, जिससे ज्यादा भी हो सकते हैं। एल्काइन में कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध, वही कम से कम एक वाली शर्त है यहां पर भी। सबरंध दो तरह के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, दो तरह के होंगे, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। नाम कैसे दिया जाएगा वो भी बताऊंगा मैं। ये एरोमेटिक प्रॉपर्टीज शो करेंगे, हक्कल रूल फॉलो करेंगे, और जलाने पर, सिंपल अगर हम पढ़ें तो जलाने पर काली धुएं के साथ जलेंगे, जैसे आप टायर जलाते हैं ना, टायर का धुआं निकलता है, ऐसा धुआं निकलेगा इनके साथ, और इनके साथ ऐसा नहीं होगा। देखें आप, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक हो गया, ये बिना धुआं के जलेंगे, ये काली धुआं के साथ जलते हैं। अब इन दोनों को फिर एक दो दो भागों में बांटा गया है, समचक्रीय और विषम चक्रीय। समचक्रीय का मतलब जो साइकिल है, उस साइकिल जो चेन है, उस चेन में एक जैसे परमाणु उपस्थित हो, जैसे कार्बन 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 कार्बन, अगर विषम चक्रीय है तो कार्बन के अलावा कोई दूसरा परमाणु वहां पर फॉलो उसके अंदर पाया जाएगा। तो वो दो दो ही भाग हैं इन दोनों के, समचक्रीय और सेकंड है विषम चक्रीय। इसके बारे में हमें ज्यादा अध्ययन नहीं करना है, दोनों के दो दो भाग हैं, तो दोनों को मैंने इस तरह से कॉमन करके यहां पर लिख दिया है। ये हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, हमारे काम का ये पूरा वर्गीकरण यहां तक, क्योंकि अब ब्रेक के बाद जो हमारा टॉपिक आएगा वो एल्केन एल्कीन और एल्काइन ही आएंगे, और जो हमें परीक्षा में प्रश्न दिलाने के लिए तैयार बैठे हैं
कि आप इनको पढ़ लो और मैं आपको वहाँ पेपर में मिल जाऊँगा, ठीक है। जो भी हमारी बोर्ड एग्ज़ाम होगी उसमें आपको मिलेगा, और स्कूल लेवल एग्ज़ाम में भी तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये तो वर्गीकरण हो गया। अब आप इस वर्गीकरण पर 2 मिनट नज़र डालिए, और आपकी नज़र कॉपी पर रहनी चाहिए कि ये किस तरह से है और यहाँ तक आप पहुँच जाने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको समय मिल रहा है 2 मिनट का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन का नामकरण आपको हेडिंग पीछे दिख रहा है। हम इनसे मिले तीनों से, अब तीनों से मिलके हमने पूछा आपका नाम क्या है, इन्होंने कहा हमें नहीं पता, आप ही बताइए हमारा नाम क्या होगा। तो हम अब इनका नाम तो रखना ही पड़ेगा ना, तो वो है हाइड्रोकार्बन का नामकरण। तो देखिए, हाइड्रोकार्बन का नामकरण की कुल 3 सिद्धांत 3 पद्धतियां दी गई हैं, ठीक है। हमें तीनों पद्धतियों के बारे में जानना है और तीनों में नाम लिखने के तरीके भी हमें पता करने हैं कि उनमें नाम किस तरह से दिए जाते हैं। तो हमें इनका नाम देना है ना, तो हम इनका नाम देने के लिए नामकरण के नाम से जो हमारा टॉपिक है वो हम शुरू करेंगे। सबसे पहला है रूढ़ पद्धति। हाइड्रोकार्बन का नामकरण निम्न पद्धतियों के आधार पर दिए जाते हैं। कुछ सिद्धांत होने चाहिए, कुछ नियम होने चाहिए। तो सबसे पहली है रूढ़ पद्धति। ट्राइबल नेम या कॉमन नेम सिस्टम या कॉमन नेम सिस्टम। देखिए, ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम क्या कहता है कि किसी भी कार्बन में यौगिक का नाम, किसी भी हाइड्रोकार्बन का नाम उसके स्रोत या गुण के आधार पर दे दिया जाए। जहां से मिल रहा है वहां देखो कहां से मिल रहा है, उसी के नाम पर उसका हम उसी का आधार उसका क्या दे दें, हम नाम दे दें, ठीक है। तो इस पद्धति में यौगिक का नाम उसके प्राप्ति स्रोत
तथा गुणों के आधार पर दिया जाता है। प्राप्ति स्रोत जहां से मिल रहा है ये देख लेंगे, कुछ विशेष गुण है तो उन गुणों को देख लेंगे और उसके आधार पर उसका नाम हम दे देंगे। ठीक है, लिख ले आप इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें ज्यादा कोई खास बात नहीं है भाई, जहां से मिला जिसके नाम, जिसके घर से हम कोई चीज लेके आए उसी के नाम के, उसके घर के नाम के आधार पर उसको नाम दे दो। हम मान लो समुद्र के किनारे गए, वहां से कोई वस्तु मिल गई, उसका नाम हमने उस समुद्र के आधार पर नाम दे दिया। ठीक है, चींटी से कोई हमें कोई वस्तु मिली, कोई पदार्थ कार्बनिक हाइड्रोकार्बन मिला चींटी से, कोई कार्बनिक यौगिक मिला, उसका नाम चींटी से मिलना वाला। ठीक है, लकड़ी से मिला, उसका नाम लकड़ी से मिलने वाला। तो बहुत सिंपल सा सिद्धांत है, जहां से मिल रहा है वही उसका नाम दे दो। उदाहरण इसके आपको कुछ एक याद रखने होंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा उदाहरण, पहला उदाहरण है CH4। इस CH4 को मैं बहुत देर से मिथेन 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 कह रहा था, लेकिन यहां इसका नाम मिथेन नहीं होगा। मिथेन मैं इसको बोल रहा था, वो सिस्टम था IUPAC सिस्टम, मॉडर्न सिस्टम जिसको हम कहते हैं, लेकिन इस पद्धति में इसका नाम दिया गया मार्स गैस। क्या नाम दिया गया? मार्स गैस। लिखें, फिर मैं समझाता हूं उसका रीजन क्या है। इसको मार्स गैस क्यों कहा जाने लगा, देखिए इसका कहने का, इसका मार्स गैस नाम देने का कारण है कि ये गैस दलदली स्थानों पर मिलती है। कहां मिलती है? दलदली, समुद्र के किनारे या किसी जलाशय या जैसा दलदली स्थान जहां होगा वहां ये गैस अधिक मात्रा में मिलती है, तो दलदल को बोला जाता है मार्स, इसलिए इसको कहा गया मार्स गैस। दलदल से प्राप्त होने के कारण उनको बोलते हैं मार्सी एरियाज, वहां से मिली इसलिए इसका नाम रख दिया मार्स गैस। कितना आसान है। सेकंड है CH3OH, वुड स्प्रिट, कास्ट स्प्रिट। ठीक है, बुड़ को हम कास्ट भी तो कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कास्ट, काठ की आड़ी बार बार नहीं चढ़ती, तो बुड़ यानी कास्ट स्प्रिट। इंग्लिश में कहा जाए तो वुड स्प्रिट, लिख लें आप, क्योंकि ये लकड़ी के भंजक आसपन से प्राप्त होती है। भंजक आसपन आप समझते ही हैं, वायु की अनुपस्थिति में लकड़ी के भंजक आसपन से प्राप्त, इसलिए नाम दे दिया वुड स्प्रिट। अब किसी और की उससे आती तो दूसरा नाम दे देते। ठीक है, लिखते जाएं। नंबर 3, CH3COH, एसिटिक अम्ल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, एसिटिक अम्ल, IUPAC में इसका नाम एथेनोइक अम्ल होगा, यहां इसका नाम है एसिटिक अम्ल, क्योंकि एसिटम, एसिटम होता है सिरका, ये सिरके में पाया जाता है। सिरका आप जानते हो ना, अचार में भी काम आता है और चाउबीन वगैरह जो बनाई जाती है ना उनमें भी ये काम में लिया जाता है ना, प्रिजर्वेटिव के जैसे भी काम में आता है सिरका, एसिटम।
एसिटिक अम्ल CH3COOH। नाम देने का कारण है कि सिरके को लैटिन में एसिटम कहते हैं। और ये सिरका ही तो है, इसलिए इसका नाम रखा गया एसिटिक अम्ल। ठीक है, मैं इनको बचा के रख रहा हूं क्योंकि आपको याद रहे एल्केन एल्कीन क्या है, कार्बन कार्बन के मध्य कितना बंद होना चाहिए, तब एल्केन होता है, कब एल्कीन होती है और कब एल्काइन होता है। ये आपको दिखता रहे थोड़ी देर तक तो आपको ये याद हो जाएगा, इसलिए मैं इसको बचा बचा के रख रहा हूं। यहां पर दिख रहा है ना, 1, 2, 3 एल्केन एल्कीन और एल्काइन, आधा काम तो हमारा इनसे ही होगा। अगला है चौथा HCOOH फार्मिक अम्ल। लाल चींटी से प्राप्त, उसके बन जाएगा आसमान से प्राप्त होता है, लाल चींटी से प्राप्त, और लाल चींटी को लैटिन बोला जाता है फॉर्मिका। लाल चींटी जो होती है रेड आंट, फॉर्मिका बोलते हैं इसको लैटिन में, और उसके भंजक आसवन से उसके प्राप्त होता है फॉर्मिक अम्ल, इसलिए इसका नाम दिया गया फॉर्मिक अम्ल। आईपीसी में इसका नाम है मेथेनोइक अम्ल, आएगा वहां हम इसकी अलग से बात कर लेंगे। अब इनको मैं यहां से विदा कर रहा हूं। अगला देखिए नंबर 5 CCOOH लिखे हैं आप, यहां पर H, यहां पर OH, ये है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, ये मिलता है लैक्टम, लैक्टम कहा जाता है दूध को, इसलिए इसका नाम रखा गया लैक्टिक अम्ल। लिख दो, चलो लैक्टिक अम्ल दूध यानी लैक्टम से प्राप्त। इसी तरह से होता है सिट्रिक एसिड, स्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता हमें नहीं है उसकी। सिट्रिक अम्ल इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये सिट्रस फ्रूट से मिलता है, सिट्रस खट्टे फलों में, सिट्रस फलों में पाया जाता है, प्रेजेंट्स इन सिट्रस फ्रूट्स।
ठीक है। अब कुछ तीन नाम और लिखूंगा मैं जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इनके अलग, ये तो सारे हैं ही, अलग से पूछ जाते हैं ये, इनको क्या अलग से याद रखना पड़ता है, नियमों की कोई यहाँ दुहाई नहीं है, यहाँ सिर्फ इतना सा है कहाँ से मिल रहा है वो नाम दे दो। अगला देखो, तीन और हैं, छः के साथ, छः के बाद सात, CH3, CH2, CH2, CH3, ठीक है। मैंने चार कार्बन का लिया है, हम इसको तीन का भी ले सकते हैं और पांच का भी ले सकते हैं। इसका नाम होता है नॉर्मल ब्यूटेन, मैं पूरा लिखना चाहूंगा इसको एक बार, नॉर्मल ब्यूटेन, अगर पांच है तो पेंटेन, एन ब्यूटेन, नॉर्मल के लिए यूज करते हैं हम एन। एन कब लगाया जाएगा, एन बराबर नॉर्मल बराबर सीधी श्रृंखला के लिए, सीधी कार्बन श्रृंखला के लिए, ठीक है। अब आएगा आइसो, देखिए ये है आइसोप्रोपिल, ये नॉर्मल ब्यूटेन है। अब अगर मुझे नॉर्मल ब्यूटिल बनाना है तो कहीं भी मुझे यहां पर एक बैलेंसी फ्री करनी पड़ेगी, या तो इधर कर दूं या फिर इधर कर दूं, ठीक है। तो मैं बना देता हूं नॉर्मल ब्यूटिल यहां पर CH3, CH2, 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 और यहां पर एक बैलेंसी मैंने फ्री छोड़ दी, तो ये बन गया नॉर्मल ब्यूटिल। ये रेडिकल बनाने का तरीका होता है, आप इसको अब इतना सा ध्यान रखें कि ये नॉर्मल ब्यूटिल है। ये आइसोप्रोपिल जिसको कहते हैं वो होता है सेकंड नंबर कार्बन पर एक संयोजकता फ्री, या वहां पर कोई एक ग्रुप जुड़ा हुआ हो। और अगला है नियोपेंटिल, ये भी मैं बना देता हूं। ये देखो मैंने पहली रेडिकल बना दिया है, फ्री कर दिया है, वहां अलग से किया है फ्री, है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। ये है नियोपेंटिल, ध्यान रखेंगे आप इसको, नियोपेंटिल। देखो आपको दिख रहा होगा यहां मैंने एन कैपिटल लिया है नियो, यहां एन मैंने स्मॉल लिया है, तो दिख रहा है ना आपको। अब आप इनको जल्दी से बना लें, आइसोप्रोपिल, नॉर्मल ब्यूटिल और नियोपेंटिल। तो ये सारे नाम इस रूढ़ पद्धति के अंदर ही सम्मिलित किए जाते हैं, कॉमन नेम सिस्टम भी इसी को कहा जाता है। ये कॉमन नेम लिखा है मैंने इसका, है ना, इस तरह से। तो ये नामकरण का हमारा पहला सिद्धांत था, रूढ़ पद्धति, कर लिया आपने, लिख लिया। अब इनको आप घर पर जाके जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि आगे की पद्धतियां तभी समझ में आएंगी हमारे जब हम ये हमें पूरा पता होगा, ठीक है। तो आगे की और पद्धतियों के साथ मिलते हैं अगली क्लासेज में, नमस्कार।